नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू, और सबसे पहले बात करेंगे भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 सालों में कमी आई है। साल 1950 से 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी करीब 7.82% घटी है, और इस दौरान मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। 1950 में देश में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो 2015 में घटकर 78.06% हो गई। तो वहीं 1950 में देश में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% था, जो कि 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया। बीजेपी नेता अमित मालवी ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी। अमित मालवी ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी दी है। तो वहीं पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, बहुसंख्यक समुदाय क्यों घट रहा, चिंता का विषय है। डेमोग्राफिकल चेंज कब हो जाए पता नहीं चलता, नीति बनाने की है जरूरत। विजय शर्मा का ये बयान आया है। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय का बयान, बीजेपी को ये चुनाव के समय ही क्यों याद आता है, 10 साल तक क्या ये सोते रहे। विकास उपाध्याय का ये बयान है, बीजेपी सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काती है, लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, और विकास उपाध्याय का ये बयान सामने आया है। तो आप ये देखिए जो रिपोर्ट सामने आई है, अब इसको लेकर ये वाकई में हैरानी का विषय बन चुका है तमाम लोगों के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर जाहिर सी बात है कि इस समय सियासत भी जोरों शोरों से हो रही है। अब चूंकि विकास उपाध्याय का ये बयान है कि बीजेपी को इलेक्शन के टाइम ही क्यों ये सब याद आता है, इसके पहले 10 साल तक क्या ये सो रहे थे, ये सवाल किया है विकास उपाध्याय ने। कांग्रेस नेता है विकास उपाध्याय। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट से घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता ने विकास उपाध्याय का बयान कि बीजेपी को ये चुनाव के समय क्यों याद आता है, 10 साल तक क्या ये सोते रहे हैं, और जिस तरीके से अब रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद से सियासत गर्माई हुई है। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, रिपोर्ट पर सियासी घमासान जारी है, कांग्रेस ने पलटवार भी किया इस पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो रिपोर्ट जो आई है उसको लेकर के कहा गया है कि ये चिंता का विषय है, इसके समाधान भी ढूंढने होंगे, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और ये पूछा है कि आखिर 10 साल तक कहाँ थे और किस तरह की है। आखिर ये रिपोर्ट में जो 7 से 8% की जो कमी आई है वो काफ़ी चिंताजनक है, ऐसा डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है और उस पर चिंता जाहिर भी की है। आखिर जो बहुसंख्यक हैं वो आखिर कम क्यों हो रहे हैं, इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी चिंता है वो जाहिर की है, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये चिंताजनक बात है और चिंता का विषय भी है, और ऐसे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इस पर इसको समाधान करने की भी ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा है। जी जी बिल्कुल, और यहाँ पर विकास उपाध्याय का ये भी कहना है युगल कि बीजेपी को ये सब चुनाव के समय ही क्यों याद आता है, क्योंकि 10 साल से तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और उस वक्त इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया।
जी बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट जब इस राष्ट्रीय स्तर की जो शोध हैं या फिर रिपोर्ट हैं वो सार्वजनिक होती हैं तो हो सकता है उनकी कोई समय सीमा होती होगी। हाँ, ये बात अलग है कि विपक्ष में है कांग्रेस तो बिल्कुल सवाल खड़े करना उनका लाजमी है और खड़ा कर भी रहे हैं, तो ऐसे में उनके जेहन में जो बात है वो कही जा रही है। लेकिन जो 7.8% जो कमी आई है वो खास करके बहुसंख्यक का, तो उसको लेकर के जो गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, उन्होंने कहा है कि ये चिंता का विषय है कि आखिर बहुसंख्यक ही कम क्यों हो रहे हैं। और एक रिपोर्ट में ये भी सार्वजनिक किया गया है कि जो अन्य समुदाय के जो लोग हैं उनके जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है, उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल ये चिंताजनक बात कही जा सकती है। वैसे भी भारत में इस तरह के जो हिंदू हैं बहुसंख्यक हैं, तो ऐसे में उनकी जो संख्या है आखिर कम क्यों हो रही है। जी बिल्कुल, वाकई में चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। और इसको लेकर अब देखिए कि लगातार वार पलटवार भी होना है क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं। और वहीं रायपुर से एक और बड़ी खबर करूँ करेंगे जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदला। अब आत्मानंद स्कूल का नाम होगा पीएम श्री स्कूल। जी हाँ, ये नया नाम होगा आत्मानंद स्कूल का। आत्मानंद स्कूल का नाम बदलने पर सियासत भी जोरों शोरों से है। दरअसल भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना, छत्तीसगढ़ के साधु संतों का बीजेपी अपमान कर रही है। कोई नाम रखना है तो नई योजना शुरू कर ले, लेकिन जिस तरीके से स्कूल का नाम बदला जा रहा है इस पर भूपेश बघेल ने एतराज जताया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदला गया, अब आत्मानंद स्कूल का नाम होगा पीएम श्री स्कूल। जी हां, आत्मानंद स्कूल का नाम बदलने को लेकर अब सियासत भी होने वाली है क्योंकि आत्मानंद स्कूल का नाम बदलकर पीएम श्री स्कूल नाम रखा जाएगा। और भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ के साधु संतों का बीजेपी अपमान कर रही है, कोई नाम रखना है तो नई योजना शुरू कर लें, और ये जो नाम बदले जा रहे हैं ये गलत है। ये सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ के साधु संतों का भी अपमान कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जी के योगदान है उसको नकारने की कोशिश, मतलब छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को भुला देना चाहते हैं। यदि आपको कोई कार्यक्रम चलाना है तो नया कार्यक्रम चलाइए और किसी का नाम रख लीजिए, है ना, उसमें कोई बात नहीं। अभी इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है ना। वहीं रायपुर में डिप्टी सीएम का कांग्रेस पर निशाना, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। मोहब्बत की दुकान में बिक रहा नफरत का सामान, जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाते हैं, कांग्रेस में शरण पाते हैं। सैम पित्रोदा को लेकर साधा निशाना, सैम पित्रोदा की आजीवन बाहर निकाले कांग्रेस, त्याग पत्र देने का अभी स्वैंग चल रहा है। दुकान में हर जगह नफरत का सामान बिक रहा है। एक्चुअली ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत का सामान ये लोग बेच रहे हैं। दक्षिण भारत में भी कोई भी अलग देश बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने कहा उसको कांग्रेस ने टिकट दे रखा है लोकसभा का। जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, वो लोग भी जाकर के कांग्रेस में शरण पाते हैं। हेमंत करकरे जैसे शहीद, उनके बारे में भी ये शेम पित्रोदा ने कहा कि वो उनकी गोली से नहीं मरा, कसाब की गोली से नहीं मरा था, ये इन्होंने कहा। याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि एक व्यक्ति ने जीवन में क्या क्या कहा। बलरामपुर में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, जहां गौ हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। रामानुजगंज के रंगीला चौक पर ही प्रदर्शन किया गया है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 30 अप्रैल को हुए छतका गांव में गौ हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां बलरामपुर में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, गौ हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। रामानुजगंज के रंगीला चौक पर प्रदर्शन किया गया, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 30 अप्रैल को हुए छतवा गांव में गौ हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। और संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है गौ हत्या के विरोध में, और क्या कुछ जानकारी है? जी मैं बता दूं कि रामानुजगंज के रंगीला चौक पर आज यह प्रदर्शन चल रहा है, जहां गौ हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा इस प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को छतवा गांव में गौ हत्या कर दावत पर
दावत देने की तैयारी संगठन मुसलमान के द्वारा की गई थी, जिस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौ मांस और उनके अवशेष को जब्त किया था, और उसमें अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन वह हिंदू संगठनों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि वो इस कार्रवाई से खुश नहीं, जिसको लेकर उनका यह विरोध प्रदर्शन है, जहां जो रंगीला चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपने बातों को रखा है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सूरज जानकारी के लिए। तो धर्म प्रदर्शन करते हुए अपनी बातों को रखा गया और विरोध किया गया है गौहत्या का। प्रदेश में महादेव ऑनलाइन सत्या ऐप पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश में 30 जगहों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है, जहां रायपुर, दुर्ग, कांकेर समेत कई जगहों पर छापे मारे गए। कई जगहों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम कार्रवाई कर रही है। बहुत बड़ा मामला हो चुका है और आप ये देखेंगे कि महादेव सत्या ऐप पर कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और इस कार्रवाई के बाद संभवतः और भी कई बड़े लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि जानकारी ये निकलकर सामने आई है इस महादेव सत्या ऐप के संचालन करते रहने के लिए कई बड़े अधिकारियों ने रिश्वत खाई है और उनके नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान छापेमार कार्रवाई के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना और कई जिम्मेदार अधिकारियों की गिरफ्तारी की भी बात कही गई है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम लगातार कार्रवाई, छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। और आप देख सकते हैं चंद्रभूषण वर्मा के भाई के यहाँ पर अभी 7 से 8 जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर एसीबी ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर गए हैं और छापेमारी की कार्रवाई वो कर रहे हैं। इस हम एक और तस्वीर दिखाएंगे, संतोषी नगर की तस्वीर है और यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने अलग अलग 30 ठिकानों पर दबिश दी है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के बड़ा एक फर्जीवाड़ा का खेल वो खेला गया था और उस पर अब अधिकारियों के साथ साथ कुछ जो पुलिस के भी अधिकारी हैं, चंद्रभूषण वर्मा है, वो अभी जो एसीबी ईओडब्ल्यू अब उनसे पूछताछ कर रही है, कस्टडी में है, उसकी जो रिमांड की अवधि है आज वो भी खत्म हो रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जो घर है वो चंद्रभूषण वर्मा का है और यहाँ पर भी जो छापेमारी की कार्रवाई है वो की जा रही है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के जो अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन है उसका खुलासा हुआ है। कुछ दिन पहले ही पुणे में रायपुर के पुलिस ने दबिश दी है। देखिए पूरा एसीबी ओडब्ल्यू के जो पुलिस हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर अंदर बैठे हैं और पूछताछ है वो की जा रही है। देखना होगा कि छापेमारी की कार्रवाई कब तक खत्म होती है और इसमें किस तरह के खुलासे होते हैं। ये बात तो तय है, जैसे ही छापेमारी की कार्रवाई खत्म होगी, बहुत सारे इनपुट्स हैं वो अभी फिलहाल मिल रहे हैं एक एक करके। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के कई जो आरोपी हैं जेल में बंद हैं, कईयों से भी पूछताछ की जा रही है, तो ये तय है कि आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां होंगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो वही कांकेर में भी एसीबी और ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। महादेव ऐप से जुड़े मामले में मारा गया छापा, चारावा गांव में मारा गया छापा। हवलदार विजय पांडे के घर पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। टीम मौके पर पहुंची हुई है और अब दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कांकेर से पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां आज कई जगहों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। तो वही कांकेर भी टीम पहुंची और महादेव ऐप से जुड़े मामले में ये छापामार कार्रवाई शुरू की गई है। चरामा गांव पहुंची है टीम, हवलदार विजय पांडे के घर पर छापा मारा गया। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और इस दौरान कुछ गिरफ्तारियां भी संभव है। हवलदार विजय पांडे जो कांकेर पुलिस में पदस्थ है, उनके रेड हुआ है एसीबी ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ द्वारा। इस संबंध में पूरी कार्रवाई चूंकि ईओडब्ल्यू द्वारा की गई है, विस्तृत जानकारी उन्हीं से मिल पाएगी। अब ये कार्रवाई किस संबंध में किया स्पष्ट रूप से हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन महादेव ऐप से रिलेटेड है करके खबर है, लेकिन हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे बलौदा बाजार में ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है सुहेला, सुहेला से जुड़े महादेव ऑनलाइन सट्टा के तार। टीम में 6 लोग शामिल हैं, 10 से 12 लोगों की टीम पहुंची है। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा का पैतृक गांव है सुहेला और अभी तक जेल में एएसआई चंद्रभूषण वर्मा बंद है। तो खबर बलौदा बाजार से आपको दे रहे हैं, जहां पर ईओडब्ल्यू का छापा, ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है सुहेला, सुहेला से जुड़े महादेव ऑनलाइन सट्टा के तार। टीम में 6 लोग शामिल हैं, 10 से 12 लोगों की टीम पहुंची। एसआई चंद्रभूषण वर्मा का पैतृक गांव है सुहेला।
रायपुर से खबर है जहां जग्गी हत्याकांड में सरेंडर, तीन आरोपियों ने किया सरेंडर। संजय सिंह कुशवाहा ने सरेंडर किया है और उसमें दो नाम और भी शामिल हैं। नरसिंह प्रसाद शर्मा ने भी आत्मसमर्पण किया है। प्रमोद कचौरी ने भी सरेंडर किया। रायपुर कोर्ट में सरेंडर किया गया और अब तक कुल 14 लोग सरेंडर कर चुके हैं। सुकमा में इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 8-8 लाख के दो इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। चार नक्सली पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। बटालियन में काम कर रहे पति पत्नी ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर किया सरेंडर। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां पर इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 8-8 लाख के दो इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। चार नक्सली पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। बटालियन में काम कर रहे पति ने किया आत्मसमर्पण। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है और सरकार की जो मुख्य धारा है समाज की उससे जुड़ने का इन्होंने फैसला लिया है।